सो ये गाइज वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। सो अभी मैं एक्चुअली काफ़ी दिन से ब्लॉग नहीं बना रहा था, तो आज मैं ब्लॉग शूट करने जा रहा हूँ। आई मीन दिन में, मैंने पिछले ब्लॉग में बोला था आपसे कि मैं दिन में अपना ब्लॉग पूरा करूँगा। सो आज वही प्लानिंग में होगा, पूरा दिन में कर दूँगा। सो अभी तो हो रही है दोपहर और अभी मैं जा रहा हूँ कुर्ला। एक्चुअली अभी मैं थाने में था, थाने से मैं जा रहा हूँ पहले कुर्ला, क्योंकि कुर्ला में उससे मिलना है नदीम से, उसको उठाना है और फिर जाऊँगा। सो पहले चलता हूँ कुर्ला और फिर उसको उठाता हूँ वहाँ से, फिर चलता हूँ मैं। ओके, सो अभी तो कुछ प्लान नहीं है कहाँ जाऊँगा कहाँ नहीं। सो जहाँ भी जाऊँगा बस देखते हैं कहाँ जाऊँगा। सो चलो चलते हैं और देखते हैं। ओके, सो गाइस कुर्ला आ गया हूँ, कुर्ला में आ गया हूँ और अभी एक होटल में हूँ। तो अभी तो चचा ने हमें बोला कि आप पहले मुँह हाथ धो के फ्रेश हो जाओ, फिर हम आपको खाने के लिए देंगे। ठंडा पानी हो गया। पहले बताओ कि सालन खाओगे या ये हमारे चाचा है चावल 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 राइस हो, बिरयानी हो, कोई भी चावल हो, क्या बोलिए पुलाव हो, खाली चावल हो चाहिए क्या हो, चावल दाल मार के दे दो या गोश्त की दाल, गोश्त की दाल, गोश्त की दाल। हाँ 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 आप लोग ज़्यादा कभी ज़्यादा हो जाओ, छोटे नुस्तों ना खाई जाओगे। सो दाल कौन सी दाल बोली इन्होंने, चावल में दाल गोश वाली, दाल गोश वाली चाय पहले खाते हैं और फिर देखते हैं, क्योंकि भूख लग रही थी बहुत खतरनाक वाली। तो ये था हमारा गोश दाल चावल, क्या खाना। बट एक्चुअली अभी हमारा पेट नहीं भरा है, तो अभी जिम में और मंगाएंगे। सो अभी थोड़ा सा कीमा और खाते हैं रोटी के साथ। ओके, छोटा बैट चैलेंज करिएगा कौन ज़्यादा खाओगा, इसके साथ कर रहा है। वो ज़्यादा खा जाएगा इस कदर, मेरा कितना सारा अभी, अरे इसका देखो। तो तुम अनुमान लगा सकते हो इस बात से कौन जल्दी खा, कौन ज़्यादा खा लगा उससे जल्दी, उससे डबल खो दिख जाएगा अभी 10 बजे। ओके सो गाइस, खाना पीना किम्मा उड़द चावल सब हो गया है। सो अब थोड़ा चलते हैं रूम पर। राइस मिलेगी भाई, राइस मिल जाएगी भाई, राइस अभी देखते हैं पहले क्या इसको राइस के और भोग ले रहे किस किस कदर हद तुम्हारा। किम्मा उड़द चावल दाल चावल पता नहीं क्या क्या खा के तब भी इसे भूख लग रही है। सो कोई बात नहीं, राइस पूछ रहा था, मेरा तो पेट भर गया है काफ़ी ज़्यादा। तो अब पहले रूम पे चलते हैं और फिर देखते हैं कि कहाँ निकलेंगे। ओके, कहाँ पे बैग भूल गए हम जरा बोल दी। एक्चुअली खाने के चक्कर में अपना बैग भूल गए थे यहाँ पे होटल में। तो चाचा भी हमारे जान पहचान के हैं यहाँ पे कुल्ला में, कसाई वाड़े में। गलत भी आ रही है तो ना ना छोटे सही जा रहा हूँ, अच्छे से जानते हैं चाचा। मैं चाचा बैग भूल गए अपना। ओके सो गाइस, खाना पीना तब हो गया था, तो अब हम जा रहे हैं सांता गुरु। तो सांता गुरु से पहले कुल्ला आए थे केले लेने के लिए, तो पहले यहाँ से केले लेते हैं और फिर निकलते हैं। तो गाइस अभी दादर में है और दादर तब पकड़ेगा सांता क्रूज की ट्रेन। तो सांता क्रूज चलते हैं पहले और फिर पता नहीं, हाँ फिर पता नहीं क्या होगा, ठीक है इज्जत। ओके सो गाइस, सांता क्रूज आ गए हैं। तो सांता क्रूज से आज हमारा फिल प्लान बनाया है जू बीच जाने का, क्योंकि जू बीच में थोड़ी शांति मिलती है, तो घूमने का दिल कर रहा था, काफ़ी दिन हो गए घूम कर। तो जो ब्लॉग तो मैंने पहले डाला था, सो जू बीच घूमने जा रहे हैं अभी। तो सो पहले कुछ काम है, पहले वो मार्केट से अपना काम देखते हैं और फिर चलते हैं जू बीच। ओके तो ओके, तो गाइस टाइम अभी लगभग बज गए हैं 6। मैंने अपना ब्लॉग दोपहर में स्टार्ट किया था, मैंने अपना ब्लॉग थाने में स्टार्ट किया था दोपहर में, तकरीबन 12 से 1 के बीच में स्टार्ट किया था और अब बज गए 6। सो अब देखता हूँ कि वहाँ पहुँचते पहुँचते कितना टाइम लगता है और कितना टाइम लगेगा। सो ब्लॉग को पूरा देख लेना और एंड तक देखना, लाइक भी कर देना। ओके, लाइक करना भूल जाना, सब्सक्राइब कर मना भूलना, छोटे जरा कह दिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, सोचो। फाइनली एक बार फिर जू बीच में। एक्चुअली हमें ना थोड़ा सा टाइम लग गया अपना, वो जो काम था हमें सांता क्रूज में उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, तो अब शाम हो गई है। सो अब थोड़ा, हाँ अब जहाँ पर हम पिछली बार गए थे, मैं इस बार भी उधर ही जा रहा हूँ। सो हाँ शाम हो गई है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मुझे कुछ काम था, तो इसके लिए थोड़ा काम करा वो, और वही है जैसा है वैसा ही है, कुछ चेंज नहीं होता है जू बीच में, और ना मैं चेंज हुआ, जैसा मैं पहले था वैसा ही। बस हाँ थोड़ी सी ड्रेसिंग व्रेसिंग, थोड़ा सा हेयर वेयर सब, मतलब यही चेंज हुआ है सिर्फ, बाकी और कुछ चेंज नहीं हुआ है। ओके सो अब छोटे, तो गाइस कुछ ऐसा सीन हो रहा है अभी तो फिलहाल जू बीच पर शाम के टाइम में, आप लोगों को दिख रहा है क्या,
को दबा दे आधे मुंडे छोड़। सो भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है आज। अरे व्हाट द फक डूड, आया हो ये देखो कितनी भीड़ हो रही है। ये एक्चुअली उस दिन हम आए तो इतनी भीड़ नहीं हो रही थी, क्योंकि हम उस टाइम शायद दोपहर में थोड़ी सी मतलब जल्द, हाँ थोड़ी हम जल्दी आ गए थे। आज हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, आई मीन शाम हो गई है प्रॉपर, 7:30-7:30 बज चुके हैं और कुछ पब्लिक जा रहा है। तो उस दिन उस ब्रिज पे भी पब्लिक नहीं थी, आज पब्लिक दिख रही है उस ब्रिज पे, समझ रहा। सो चलो अब चलते हैं और सुकून से हवा का हम थोड़ा सा आनंद लेते हैं। आप लोगों को लाइटें देख कर लग ही रहा होगा कि हो गई है शाम, ब्लर क्यों मार रहा है। हाँ तो कुछ ये सीन है एक्चुअली, हम आई मीन हम सबसे एंडिंग में हैं, बीच जो है इसका वहाँ पर है बीच, वो वहाँ पर उसका बीच है और बहुत लंबा ब्रिज, बहुत लंबा बीच है ये। सो हेलो। सो हवा का मज़ा लेते हुए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अभी पीछे एक्चुअली गर्मी लग रही थी तो अब थोड़ा सा यहाँ पर आएगा, थोड़ा हवा हवा लगने लगी। देखते हैं यहाँ पर ये हवाई जहाज, 5 मिनट देखते हैं, हर 5 मिनट बाद, हर 10 मिनट बाद ये हवाई जहाज देख लो यहाँ पर। जिसको भी कुछ देखा नहीं, जिसने आज तक इतनी ज़्यादा करीब से, वो देख सकता है यहाँ आकर। सो छोटे जगह खाली होगी भी नहीं, पब्लिक बहुत, आई मीन खेलने वाले बच्चे, आई मीन जो शाम में वॉकिंग पर निकलते हैं, ये वो दुनिया भर के काम। ओके सो गाइस, हम जो भी इससे भी आ गए हैं और सब कुछ हो गया है, तो हो गई प्रॉपर रात, तो अब मैं जा रहा हूँ घर। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। सो मिलता हूँ जल्दी से आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। तो अभी मैं जा रहा हूँ सांता क्रूज़ के स्टेशन पर, क्योंकि रात हो गई है, लगभग 9 बज गए हैं। सो टाटा बाय बाय, सब्सक्राइब कर देना। ओके और वहाँ जो था नहीं हो गया मेरा तो है, और वहाँ जो था वो बैठना बैठना सब हो गया था, जो भी हमें करना था वहाँ पर वो सब, आई मीन जो हमें काम था सांता क्रूज़ में वो भी हो गया था, और हम जो बीच गए थे वो भी हो गया था। सो बस इतना ही था, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।